आदरणीय कलेक्टर साहब, आदरणीय आयुक्त साहब, आदरणीय एसपी साहब, सम्मानीय मंच, आदरणीय युजेंद्र महाजन, ये जो काम कर रहे हैं एक अद्भुत काम लगता है मेरे को। लाखों में एकादा व्यक्ति ऐसा काम कर सकता है। मैं मेरे गुरुजी की याद में एक अवार्ड दिया करता हूँ। देश के 34 लोगों को अभी तक ये अवार्ड दिया जा चुका है, आचार्य अस्थि अहिंसा अवार्ड। इनके काम को देख करके मैं तीन चार प्रोग्राम में आया, साल दो साल से इनसे मिलता जुलता रहता हूँ। देखकर लगता है कि कितना अद्भुत काम है। अहिंसा तीर्थ को स्थापना के बाद में कुछ और करना चाहिए, मैं ऊपर जाते जाते बच गया हूँ, समझ लिया आप। 1996 में मेरे गले का अमेरिका में ऑपरेशन हुआ, उस समय हमें मेरी पत्नी साथ में थी तो हमने समझा कि एक गौशाला बनाएंगे। अब गौशाला बना ली, दो साल पहले मेरा स्वास्थ्य एकदम गिर चुका था, मैं चल नहीं पाता था, व्हील चेयर से ही चलता था। डॉक्टरों ने ऑपरेशन करने के लिए बोला कि ऑपरेशन करना पड़ेगा। मेरा बेटा बैठा है साथ में, उसने कहा कि स्पाइन के ऑपरेशन बड़े खतरनाक होते हैं, तो डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेकर के हमने कैंसिल कर दिया कि ऑपरेशन नहीं करना है, चाहे रखड़ते पकड़ते ही चलेंगे अपन। एक डॉक्टर होम्योपैथी के यहाँ डॉक्टर, उन्होंने मुझे एक महीने में ठीक कर दिया। तो मैं समझता हूँ कि ये पुनर्जीवन प्राप्त हुआ है, तो अब कुछ और करना चाहिए, अब कुछ और करना चाहिए। परंतु सवाल यह है कि काम शुरू करना अच्छा है, लेकिन उसको मेंटेन कौन करे, चलाए कौन उसको, ये बड़ी दुविधा है। अहिंसा तीर्थ को चलाते चलाते ये तो ठीक है, मेरा बेटा संभाल लेता है, बाकी कोई संभालने को तैयार नहीं होता। मैंने 6 मैनेजर बदल दिए। मेरी इच्छा के माफिक जैसा काम होना चाहिए वैसा काम हो नहीं सकता है। बड़ी कठिन समस्या आती है काम संभालने की। पैसे देने वाला मिल जाता है, जमीन देने वाला मिल जाता है, संभाले कौन। तो मैं सोच रहा था कि कौन मैं कोई काम करूँ, जो काम अभी युजेंद्र महाजन कर रहे हैं वो मेरे दिमाग में था, लेकिन करेगा कौन। लेकिन जब इनसे मेरा संपर्क हुआ तो मुझे लगा कि मुझे जो चाहिए था वो मिल गया है। वेयर देर इज विल देर इज वे, मेरी इच्छा थी मन की वो पूरी हो गई और मुझे एक ऐसा व्यक्ति प्राप्त हो गया कि जो इस काम को चला सकता है, क्योंकि अभी यंग एज है, 25-30 साल तो कोई देखने का सवाल नहीं आता है। देखा आपने कैसा काम है, ऐसे लोग जो समाज से में उनकी कोई कदर नहीं होती, घरवाले भी नहीं रखते, अंधे व्यक्ति को, अपंग व्यक्ति को घरवाले भी घर से निकाल देते हैं, और इन अंधे व्यक्तियों ने माता पिता का सम्मान बढ़ा दिया है, ये कितनी बड़ी बात है। दो हाथ जिसके नहीं है उस बच्ची को कितना मुस्कुराते हुए देखा आपने, कोई मुस्कुरा सकती है क्या, वो हंसी यजुवेंद्र सर ने ला दी है उनके ऊपर। मैं जब इन अपंगों को देखता हूँ, जलगांव जिले के 2600 लोगों को मैंने 20 साल पहले साइकिलें दी थी, 3 चक्की, एक भी अपंग ऐसा नहीं जिसको साइकिल नहीं दी होगी, अब साइकिलें टूट फूट गई सब। वो तो कहने का मतलब यह कि अब क्या करें। तो इनके काम को देखकर लगा कि चलो मेरे मन जैसा काम हो सकता है। इनकी ज़िंदगी कैसी है कि जिंदगी दर्द सिर है, जिंदगी दर्द सिर है मगर जीते हैं, जिंदगी गम का सफ़र है फिर भी जीते हैं, जिंदगी नाम है इंसान की मजबूरी का, जिंदगी मौत से बदतर है फिर भी जीते हैं। ऐसे लोगों की जिंदगी में आपने रोशनी ला दी, ये तो एक देव श्री का काम है, कोई परमात्मा श्री का काम है। परमात्मा ने जिनकी आंखें छीन ली होगी या कुदरत से उनकी आंखें चली गई है, उनको उनके जीवन में रोशनी ला देना ये कोई साधारण काम नहीं है। इनका कौन मित्र होता है, सूर्यास्त होते ही पड़ोसी भी अपने घर के दरवाजे बंद कर देते हैं। इससे बढ़कर मित्र कोई दूसरा होता नहीं। क्या इससे बढ़कर उनका मित्र कौन है, इन लोगों का इससे बढ़कर मित्र कोई दूसरा होता नहीं। सब जुदा हो जाए लेकिन गम जुदा होता नहीं। ऐसे गम की जिंदगी में आपने जो चमत्कार किया है, काम किया है, हमने सबने आंखों से देखा है। इस काम को देख करके इस वर्ष का 2017 का
आचार्य अस्थी अहिंसा अवार्ड 30 जुलाई को इसी जगह पर इसी सभागृह में बड़े सम्मान के साथ दिया जाएगा। उस अवार्ड में 5 लाख रुपए कैश और एक अभिनंदन पत्र रहेगा। आपको सबको मेरी ओर से निमंत्रण है कि आप सभी आज ही मेरा निमंत्रण पत्र में इन्होंने सबका सम्मान किया, अरे सम्मान तो आपका करना चाहिए हमको कि कैसा काम कर रहे हैं आप। तो आप सबको निमंत्रण है, मंच पर बैठे हुए लोगों को निमंत्रण है कि उस प्रोग्राम में आप आएं। हो सकता है इनके हौसलों को, इनके काम को देख करके 2-4 यजेंद्र और पैदा हो जाए। आपको जगह की बड़ी कठिनाई है। 2-4-5 दिन पहले मिले थे, बोले बापना जी मेरी एनर्जी जगह ढूंढने में जा रही है, मैं परेशान हो गया हूँ। महाजन साहब जगह तो मैंने देख ली है, कल तो मैं राजस्थान जा रहा हूँ, परसों राजस्थान जा रहा हूँ, कल आपको फुर्सत मिले तो 1 घंटे के अंदर अपन जगह का निर्णय कर लेंगे। मैं आपको आश्वासन देता हूँ कि आपको इस कार्य में कभी आर्थिक संकट नहीं आने दूंगा। भले ही मैंने आपको 1 करोड़ का आश्वासन दिया है, लेकिन जो भी रकम लगेगी जमीन के साथ में उस बिल्डिंग को मैं आपको बना के दूंगा, यह मेरा आपको पूरा आश्वासन है। इस काम में आपको पीछे हटने की आवश्यकता नहीं है, मैं आपके पीछे हिमालय की तरह खड़ा रहूंगा, आप बेफिक्र रहिए। और जितना आप कर सकते हैं इन डिसेबल लोगों को, जितना आप इनका भला कर सकते हैं आप कीजिए। वो मकान तैयार, वो बिल्डिंग तैयार होने के बाद में, दीप स्तंभ की वो बिल्डिंग जब तैयार हो जाएगी तो देश के प्रधानमंत्री आकर देखेंगे सेवा का कार्य कैसे होता है। देश का ये सबसे महत्वपूर्ण केंद्र हो कि इसको देख करके और भी देश में प्रांतों में इस तरह के केंद्र खुलें। जैसे मेरी गौशाला को देखकर कई लोगों ने ऐसी गौशालाएं बनाई है, रामदेव जी भी आए थे, श्री श्री रविशंकर जी भी आए थे, उन्होंने कहा हम भी ऐसी गौशालाएं खोलेंगे। खोली या नहीं खोली मुझे पता नहीं है, लेकिन आपके केंद्र को देखकर, आपकी सेवाओं से प्रभावित होकर वो लोग जगह जगह ऐसे केंद्र खुलें तो देश के अंदर इन अंधे लोगों की, अपंग लोगों की, मतिमंद लोगों की, मूक बधिर लोगों की प्रॉब्लम हल हो सकती है। आप जैसे लोग होने चाहिए, इसलिए मैं आपसे और निमंत्रण देकर आपको कहता हूँ कि आप उस दिन आए, ऐसे व्यक्ति का सम्मान करें कि समाज ऐसे लोगों को उठाना चाहिए। मैंने जो बात ही बात में कहा कि आप दिन भर यही काम करते हैं, आपका घर का खर्चा कौन चलाता है? उन्होंने कहा कि मैं 2 दिन काम करता हूँ कंपनी में, 2-3 लाख रुपए मिलते हैं 2 दिन के। मैंने मेरी पत्नी से कहा कि 3 लाख में अपना घर का खर्चा चल जाता है, तो बोल चल जाता है, तो फिर बाकी के दिन दूसरे ये परोपकार के काम करूं। उसने सहर्ष कहा कि जरूर कीजिए। 28 दिन तक इन अपंगों के लिए, अंधों के लिए काम करने वाला कोई व्यक्ति है तो एक यजेंद्र महाजन है। इसलिए हम ऐसे लोगों को समाज में आगे लाएं जो समाज में कुछ कर बताएं। मेरा निवेदन है आपसे, आप सब परिवार महाजन साहब उस दिन सब परिवार आए, आपके माता पिता पत्नी परिवार को लेकर आए यहाँ पर, आपका हम सम्मान करना चाहते हैं। और आप सबसे निमंत्रण है कि आप सब लोग उस 10 बजे, ठीक 10 बजे 30 जुलाई को ये प्रोग्राम इसी जगह पर होगा, आप सभी पधारें। फिर से मेरा आपसे एक निवेदन है, आप बार बार मेरा सम्मान करते हैं, जब मेरा सम्मान मत कीजिए, मैं संकोच मर जाता हूँ, आपको मुझे बहुत लगता है मुझे क्या करता है, इसलिए मैं नीचे बैठता हूँ, मुझे सुनाई भी अच्छा देता है नीचे। और सम्मान क्या, एक बार आपने कह दिया बहुत हो गया, क्या सम्मान करते हैं आप। तो आप मेरी रिक्वेस्ट को मानिए और आपसे फिर से निवेदन है कि इस काम को जितना आप और कर सकते हैं कीजिए। इन अन्य अपंग लोगों के जीवन में एक रोशनी पैदा कीजिए तो आपका यह भविष्य सुधर जाएगा और पर भविष्य सुधर जाएगा। धन्यवाद।